के लिए चटनी बना रहे हैं, तो ये व्रत में नहीं खा सकते हैं आप चटनी, लाल मिर्च व्रत में नहीं खाया जाता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा इसको। ये तो हम बना रहे हैं चटनी आम का, और इसमें थोड़ा सा चिनिया बादाम डालेंगे, तो थोड़ा सा ये धनिया है साबुत धनिया, और थोड़ा सा अदरक ये डाल के, और थोड़ा सा एक खोल आने तक बस ये पानी खोलेगा, उसके बाद इसको बंद कर देंगे, तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। देखिए पानी खोलने लगा, तो गाइस देखिए ठंडा हो चुका है, अब इसको छान लेंगे। एक पानी में डाले थे, ठंडा हो चुका है, अब इसको छानेंगे। तो गर्म पानी में ही थोड़ा सा खोला के एक बार, और ये जो मिर्ची है ये बिल्कुल तीखा नहीं है, ऐसा ही है, तीखी मिर्ची नहीं है, कलर के लिए इसको रखे हैं, कलर आएगा इसमें अच्छा। तभी नया आम आया है तो उसको पानी में रख के ही गर्म करके ही खाएंगे, उसका लहर निकल जाएगा। अब इसको मिक्सी में डालेंगे, अब इसको मिक्सी में डालेंगे, अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे इसमें, हरी मिर्ची डालेंगे, आप तीखा नहीं खाते हैं तो मत डालिए, और इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा। ये नींबू पहले डाल देते हैं, नींबू, नींबू का अलग ही स्वाद आता है, ये आम का खट्टाई का स्वाद से अलग हट के करेगा इसका हमें फायदा, और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको बंद करके और पीसेंगे। देखिए गाइस चटनी पिछा चुका है, ये ऐसा ही चाहिए पूरी के साथ, पराठा के साथ, और इसमें साबुत धनिया देकर पीसने से बहुत ही अभी फायदा करता है, आम में साबुत धनिया डालकर पीसने से बहुत फायदा, तो इसको किसी चीज के साथ खा सकते हैं, और इसमें कुछ नहीं डालेंगे बस, और बिना पानी दिए पीसे हैं।